नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज। मैं इस वक्त मौजूद हूं जंगपुरा विधानसभा में। हमारे साथ संगठन मंत्री आम आदमी पार्टी से आदिल मोइन जी। स्वागत है सर आपका। पहले आदिल भाई, मेरा आपसे सर पहला सवाल है, आप जैसे आम आदमी पार्टी में जुड़े, कैसे आपके इस पार्टी में कैसे रुझान आया? देखिए, जब ये अन्ना आंदोलन के टाइम जब अरविंद केजरीवाल जी वहाँ बैठे, उसके बाद उन्होंने जो उनकी उनका जो बोलने का जो तरीका था वो बड़ा प्रभावित था हम लोगों के लिए कि ये व्यक्ति कुछ करेगा। क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जब कुछ बोलता है तो ऑटोमेटिकली दिखता है कि इस बात के पीछे वजन है। उसके बाद उन्होंने पार्टी बनाने का निर्णय लिया तो हम उसी टाइम से केजरीवाल जी के साथ हम जुड़ गए। केजरीवाल जी ने 14 दिन का अनशन भी किया बिजली के बड़े रेटों के लिए, उसमें हमने भाग लिया। और उसके बाद जो है समझ लीजिए डे वन से पार्टी के साथ हैं और पार्टी जब से हैं जुड़े हुए अच्छा काम कर रही है बहुत अच्छा। जैसे आप आज के समय में संगठन मंत्री हैं, इससे पहले और भी पदों पर आप रह चुके हैं? जी हाँ, इससे पहले मैं सबसे पहले जब पार्टी मैंने ज्वाइन करी तो डेढ़ साल मैंने खूब मेहनत करी पार्टी के लिए। 2013 का इलेक्शन लड़वाया यहाँ से, आम आदमी पार्टी की सीट निकली जब 28 सीट आई थी आम आदमी पार्टी की। उस दौरान मैं बूथ पोलिंग स्टेशन इंचार्ज बना था। उसके बाद फिर मेरे पास पद आया, हमारी पार्टी ने कमेटी गठन करी थी MCD कमेटी, उसमें जंगपुरा का अध्यक्ष बनाया गया था मुझे। तो फिर वो पार्टी डिसॉल्व हो गई किसी कारण। उसके बाद जब 2015 के इलेक्शन हो गए, उसके बाद जो है मुझे जब प्रवीण कुमार जी MLA बन गए, फिर दोबारा ने एक पार्टी ने निकाला जो आम आदमी पार्टी का संगठन मंत्री का एक पद है, उस पद को मेरे को दिया और जब से वो पद मेरे पास ही है आज। आदिल भाई, जैसे आम आदमी पार्टी बनी है, उससे पहले की जंगपुरा में क्या हालात थे और आज के क्या हालात हैं? देखिए जी, चेंजिंग तो बहुत आया है। ये तो दो बार पार्टी का जीत जाना और अच्छे वोटों से जीतना, ये अपने आप में एक चेंज दिखाता है कि जंगपुरा विधानसभा में जो दिक्कतें थी लोगों को, मतलब लोगों ने जो सीवर की सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी वो ऑलमोस्ट 80% सीवर की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। निज़ामुद्दीन में भी कई जगह सीवर की प्रॉब्लम थी और भोगल में, आश्रम में, नेहरू नगर, लाजपत नगर तक हमारे पास आता है। यहाँ तक कि हमारे पास परदाबाग जो है, दरियागंज परदाबाग तक हमारा इलाका पड़ता है। तो ज़्यादातर जो है सीवर की समस्या थी, पानी की समस्या थी, 80% ख़त्म हो गई है। उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक वगैरह बनी है यहाँ पर जंगपुरा विधानसभा में। अभी आप बाहर जाएंगे तो निज़ामुद्दीन में भी एक मोहल्ला क्लिनिक बन के तैयार है। एक स्कूल का प्रपोज़ल है निज़ामुद्दीन बस्ती वालों के लिए, वो भी बहुत जल्दी इंशाल्लाह बन जाएगा। देखिए, काम तो बहुत हुए हैं आम आदमी पार्टी के रहते हुए, बहुत ऐसे काम हुए हैं। सबसे देखिए बड़ा मुद्दा होता है पानी, जो इलेक्शन का जब से देश आज़ाद हुआ है हमारा, कि चार मुद्दों पर हमेशा लड़ाई हुई है, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, और उस पर बहुत बेहतरीन काम किया आम आदमी पार्टी ने, इसमें कोई दोहराय नहीं है। सर, जैसे कि आम आदमी पार्टी एक साफ सुथरी पार्टी कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त करते हैं, मगर आज आप देख रहे हैं सत्येंद्र जैन जी भी आज कटघरे में है ईडी की जांच में, और अभी जैसे आप कार्यनीति पे भी जो भी जांच हुई है CBI मनीष सिसोदिया जी के घर रेड पड़ी है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सत्येंद्र जैन जी का मैं बता दूँ पहले, देखिए सत्येंद्र जैन जी का आज तक जो जाँच चल रही है साबित कुछ नहीं कर पा रही है, साबित कुछ नहीं कर पा रहे सर। ये देखिए ना, ये लोकतंत्र की हत्या है और क्या है ये। और रही मनीष जी की आप बात बता रहे हैं, CBI की जांच चली उस दिन, CBI ने रेड मारी, कम से कम 8 घंटे तक रेड चली CBI की। उसके बाद ED की रेड चली, उस टाइम वहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। ये अपने आप में दिखता है, अगर CBI किसी जगह रेड मार रही है और वहाँ कुछ नहीं मिला और उसके बावजूद FIR कर देना जी, तो ये तो एक तरीके से जी वो कहावत है, तोता मैना बना के रख रखा है इन डिपार्टमेंटों को। और आगे जैसे जैसे चेंजिंग आएगा, देखिए जो जैसा करता वो वैसा भरता है, ये हकीकत बात है। आज ये परेशान कर रहे हैं, कल को हमारा भी दौर आएगा। अच्छा आदिल भाई, आपका जो एक्टिविटीज चल रही है अपने लोकल जंगपुरा में, कैसे आपकी लोगों में जनसंपर्क, क्या काम कर रहे हैं? देखिए, लोगों में अच्छी खासी लोग अच्छा जानते हैं, बहुत प्यार देते हैं यहाँ के लोग। निज़ामुद्दीन बस्ती में मेरी रिहाइश है, यहीं पैदा हुआ हूँ मैं, यहाँ के लोग बहुत प्यार देते हैं। और पूरी जंगपुरा विधानसभा के अलावा और भी जो विधानसभाएँ, कहीं भी चले जाओ, जब सुनते हैं कि आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो लोगों का ऑटोमेटिकली प्यार बढ़ता है। देखिए, आज जो पार्टियों का ये व्यवहार है कि लोग बाग बात करना पसंद नहीं करते। अगर अभी आप मेरे साथ चलेंगे ना, मतलब आप ये मत बताना मैं मीडिया से, मैं आपको एक डेमो दिखा सकता हूँ। आप मेरे साथ चलिए, यहाँ नहीं निज़ामुद्दीन में तो मैं ले जाऊँगा तो होगा कि मेरे किसी अपने घर में ले गए, किसी भी आप कहीं भी चलिए मेरे साथ, मैं सिर्फ कहूँगा आम आदमी पार्टी से आएंगे, आपको ना बिठा के पानी और चाय पूछे तो बात की बात है। ये लोगों का मतलब रुझान है आम आदमी पार्टी के लिए। अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं हम, और उसी सिपाही की तरीके से उन्होंने हमें ट्रेन किया एक तरीके से,
और उसी तरीके से हम काम कर रहे हैं आगे। संगठन कैसा चल रहा है आपका सर, आप एक संगठन मंत्री? संगठन बहुत बढ़िया चल रहा है हमारा। अभी हमने संगठन में कुछ बदलाव करे हैं, कुछ हमारे वार्ड अध्यक्ष थे उनको चेंज किया, क्योंकि जो पुराने वार्ड अध्यक्ष थे उनको उठा के हमारे वार्ड अध्यक्ष जो थे पुराने हरपाल सिंह जी, उनको विधानसभा अध्यक्ष का पद दिया गया, तो वार्ड अध्यक्ष दूसरा बनाया गया। संगठन हमारा बहुत बेहतरीन चल रहा है, संगठन मजबूत है जब भी हमारी पार्टी मजबूत है, हमारे नेता मजबूत हैं। सर गुजरात का क्या लग रहा है चुनाव में, गुजरात में भी? देखिए गुजरात तो है, इस बार क्लीन स्वीप करेंगे, इस बार गुजरात गुजरातियों ने ठान लिया है कि इस बार आम आदमी पार्टी गुजरात में भी आएगी और झाड़ू चलाएगी इस बार। क्या एजेंडे पे चल रहे हैं आप सर, क्या एजेंडे लेके? देखिए हमारे पास एक ही एजेंडा है, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य, जो हमने काम करके दिखाया। देखिए एक होता है काम करना, एक हमने करके दिखा दिया। दिल्ली हमारे लिए एक बहुत बड़ा डैमो है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था कि 48 घंटे के अंदर बिजली और पानी पे काम करेंगे, और शायद आपको याद भी होगा जब हमारी सरकार बनी 2015 में, सरकार बनने के तुरंत 48 घंटे के अंदर बिजली हाफ कर दी थी और पानी माफ कर दिया था। अच्छा, इसके अलावा और भी कोई एजेंडे हैं आपके पास? पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो ये आप कर रहे हैं, इसके अलावा आपने और कोई नई मिशन? हमारे पास एजेंडे हैं एमसीडी को रिलेटेड, बहुत ज़्यादा एजेंडे। अगर एमसीडी इलेक्शन होते हैं तो एमसीडी के लिए, जैसे आप अभी आए होंगे, सड़कों की हालत आप देखिए बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल झज्जर हालत है। रात में बहुत जगह ऐसी डार्क स्पॉट है, हमने इतनी लाइटें दी हैं उसके बावजूद भी बहुत जगह डार्क स्पॉट है। तो वो एमसीडी का है कि एमसीडी का यहाँ स्कूल बना हुआ है जो बिल्कुल ही एकदम, मतलब समझ लीजिए गिरवी रख दिया हो एमसीडी वालों ने। एमसीडी का क्लिनिक बना हुआ है ना के बराबर है। तो एमसीडी के बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि लोकल बस्ती है, लोकल इश्यूज़ हैं। और बाकी एमसीडी में जब आएंगे तो हम काम भी करके दिखाएंगे। एमसीडी तो सर बिल्कुल भ्रष्टाचार, करप्शन का मतलब एक गढ़ बन गया एमसीडी। आज के कोई हालात हैं आपके क्षेत्र में आज? किस रिलेटेड? मतलब क्षेत्र में जो भी बुनियादी सुविधाएँ होती हैं, क्या उस तरह की सुविधाएँ मिल रही है जनता में? देखिए जनता को पानी बिजली तो मिल रहा है, लेकिन एमसीडी की तरफ साफ़ सफाई का थोड़ा है, झाड़ू लगती है, लेकिन मैंने कहा रोडों में गड्ढे बहुत हैं, उसकी व्यवस्था है। और क्या बोलते हैं, यहाँ पर जच्चा बच्चा केंद्र होना चाहिए था, वो एमसीडी की जिम्मेदारी थी कि एमसीडी ने अभी तक क्यों नहीं बनाया। एमसीडी के 15 साल पार्षद रह गए यहाँ पर, और उसके बाद भी ये इन सब सुविधाओं से हम यहाँ पर वंचित हैं। एक बस्ती के अंदर बहुत बड़ा खत्ता है, जो वहाँ के बस्ती के लोगों की मांग है कि ये बस्ती का खत्ता जो है बाहर, जबकि आपने इतना बड़ा डंपिंग हॉल बना दिया खत्ते का, उसके बावजूद भी बस्ती के अंदर बस्ती के लोग वहाँ उस बदबू से जूझ रहे हैं। लाइट है, जैसे यहाँ एमसीडी में कोई भी एक रोड नोटिफाइड नहीं है। यहाँ पर हाउस टैक्सीज बहुत कम लोगों के आते हैं। एमसीडी जो काम कर रही है, किसी के बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, ये सब एमसीडी रिलेटेड काम है जो लोगों को पता ही नहीं है, वो अब हमारे पास आते हैं, तो हम जितनी हमसे होती है हम कोशिश करते हैं उनकी मदद करते हैं। और कुछ तो नहीं कहना चाहेंगे, और कोई मैसेज? बस मैसेज यही है जनता के लिए कि देखिए आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, और आम आदमी पार्टी ने जनता के लिए बहुत ही बढ़िया काम किया है। और कुछ ऐसे नेता भी हैं जो बहका रहे हैं कि भाई फ्री की रेवड़ी और ऐसा कुछ कह रहे हैं, लेकिन फ्री ऐसा कुछ नहीं है। जो सांसद बन के जाता है वो सब कुछ फ्री लेता है, और ये जनता जो अपने टैक्स का पैसा दे के जो उसका फ़ायदा ले रही है, ये वो है। किसी के बहकावे में मत आएँ, ये आम आदमी पार्टी बहुत ही अच्छी पार्टी है और जनता के लिए बनी है, गरीबों के लिए बनी है दरअसल ये पार्टी। आपने देखा होगा इटली या फ्रांस या अमेरिका, वो टैक्स लेते हैं, लेकिन उस टैक्स के बदले बाहर कंट्रियों में एक भी प्राइवेट स्कूल नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है। वो उसी कंसेप्ट को लेके हमारे अरविंद केजरीवाल जी चल रहे हैं, और अगर हुआ, अगर हमारे केजरीवाल जी अगर 2024 में अगर हम पीएम की दौड़ में अगर आए और पीएम बनते हैं, तो हिंदुस्तान एक अलग दिखेगा। धन्यवाद सर आदिल जी, अपने समय दिया, बहुत बहुत। तो ये हमारी सीधी बात आदिल मोइन जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।